किसकी सरकार? तेजस्वी सरकार, जो दारू चलाएगी उसकी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद जारी है और इसी शंखनाद के बीच में आज बिहार में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार में आज बिहार के 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है और इसी कड़ी में बिहार के सहरसा में भी मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता सहरसा के जनता से उन्होंने खास बातचीत की, सहरसा की जनता से उनके मूड का जायजा लिया कि आखिर वो सरकार किसकी बनते देखना चाहती है वहाँ की जनता। आपको बता दें कि सहरसा सदर विधानसभा के मतदाताओं से हमारे संवाददाता ने जब बातचीत की कि आखिर वो किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, तो आप सुनिए कि वहाँ की जनता ने क्या कुछ कहा। की सरकार, तेजस्वी सरकार, जो दारू चलाएगी उसकी सरकार। हाँ, वोट गिरा है। जाति नाम पे या विकास नाम पे? हम लोग ये है बेरोजगारी के, बेरोजगारी के नाम पर। किसकी सरकार बनेगी अभी? हम लोग उम्मीद है कि सरकार बनेगी। क्या नाम है? राजू कुमार। दिखाइए ना, किसकी सरकार? वोट गिरा है? गिरा है। किसकी सरकार बनेगी? सरकार आती इसका बनेगा, तेजस्वी का बनेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल कुमार सिंह है। किसकी सरकार? जो अच्छा काम करेगा उसी का सरकार होगा। जात नाम पे, विकास नाम पे? विकास नाम पे। क्या नाम है? बोवा सिंह। किसकी सरकार? नीतीश की सरकार बनेगी। क्या नाम है? प्रिया कुमारी। उंगली दिखाइए। किसकी सरकार? आलोक रंजन। क्या नाम है? आलोक कुमार। कक्कर सरकार? नीतीश। किसकी सरकार? मोदी सरकार। जाति पे या विकास पे? विकास का है। क्या नाम है? तो सुना आपने, ये है सहरसा की जनता, जो वहाँ के मतदाता अपनी अपनी बात उन्होंने रखी, अपने अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम बताया, अपने अपने हिसाब से उन्होंने बताया कि किनको देखना चाहती है आने वाले 10 नवंबर में मुख्यमंत्री बनते हुए। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके सर पे मुख्यमंत्री का ताज जाएगा, वो बिहार में किसकी सरकार बनेगी, वो अब डिसाइड होगा 10 नवंबर को। और आखिरकार बिहार में सरकार किसकी बनेगी, 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। और आज जो है इसी कड़ी में बिहार में तीसरा और आखिरी चरण का मतदान किया जा रहा है और उसके बाद सीधा 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो फिलहाल ये सहरसा की जनता थी जिन्होंने अपने हिसाब से अपने मूड के अकॉर्डिंग बताया कि वो इन लोगों को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।